26/11 जैसे हमले की धमकी, मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी नंबर से आया मैसेज। मैसेज करने वाले ने बताया कि उसकी लोकेशन ट्रेस करोगे तो भारत के बाहर दिखाएगा, धमाका मुंबई में होगा, 6 लोग इस घटना को मुंबई में देंगे अंजाम। आतंकी हमले की धमकी के बाद से अलर्ट पर मुंबई, मुंबई पुलिस सहित अन्य एजेंसियां जांच में जुटी। मुंबई में आतंक फैलाने वाले धमकी भरे मैसेज की जांच में केंद्रीय एजेंसियां करे दखल, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार की मांग। शिंदे सेना के साथ मुंबई में लहरेगा भगवा, देवेंद्र फडणवीस ने महानगर पालिका चुनाव के प्रचार का किया शंखनाद। पाकिस्तानी नंबर से मिले धमकी मामले में वर्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया केस, जांच के बाद हिरासत में एक संदिग्ध। धमकी भरा मैसेज के बाद मरीन ड्राइव पर मिला लावारिस बैग, बैग था खाली, मुंबई पुलिस सतर्क। बीती रात मुंबई के ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल को पाकिस्तानी नंबर से आया था मैसेज, धमकी देने वाले के कुछ सहयोगी भारत में भी सक्रिय, मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी। फडणवीस जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, आशीष शेलार ने फडणवीस की केस जमकर तारीफ। राजू श्रीवास्तव की तबीयत पहले से बेहतर, भाई दीपू श्रीवास्तव ने दी जानकारी। दहीहांडी प्रतिभागियों को 5% आरक्षण देने वाले घोषणा का अजीत पवार ने किया विरोध, कहा दहीहांडी किसी भी खेल संघ से जुड़ा नहीं। शिरडी से आतंकी को किया गया गिरफ्तार, पंजाब पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई। सोनम कपूर के घर गूंजी किलकारियां, दिया बेटे को जन्म, नीतू कपूर ने शेयर की गुड न्यूज। पैसेंजर बनकर ऑटो में सवार हुए थे बदमाशों ने, ड्राइवर से की लूटपाट, सोने की चेन और 15,000 लेकर हुए फरार। आदित्य ठाकरे की फिसली जबान, शिव सैनिकों से बात करते हुए कहा शिंदे गुट के विधायकों को शिंदे ने दिया बाबा जी का ठुल्लू। आदित्य ठाकरे की जलगांव शिव संवाद यात्रा के दौरान दिखी शिव सैनिकों की भारी भीड़, इस्तीफा देकर फिर सत्ता में आकर दिखाओ, आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट के विधायकों को दिया चैलेंज। आदित्य ठाकरे के महाराष्ट्र दौरे में भारी भीड़, उद्धव ठाकरे ने कहा इसका मतलब जनता हमारे साथ। भाजपा द्वारा वर्ली के जंबोरी मैदान में दही हांडी आयोजन के बाद मैदान की हालत खराब, शिवसेना के आरोप लगाते हुए आयोजकों पर कार्रवाई की मांग। मुंबई में 5 करोड़ की कोकेन के साथ विदेशी महिला गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपए का सोना भी जब्त। दूसरा वनडे में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया, सीरीज पर 2-0 की अजेय बढ़त। मराठी मानुस के मुंबई छोड़ने के लिए शिवसेना जिम्मेदार, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया बड़ा दावा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे वाहनों की स्पीड पर लगेगा लगाम, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसे अत्याधुनिक सिस्टम कार्यान्वित करने की शुरुआत की गई। शीना वोरा मर्डर केस में बड़ी खबर, गवाह श्यामबर रॉय को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत। महाराष्ट्र में फिर सक्रिय होगी सीबीआई, जल्द हटेगी पाबंदियां, बढ़ेगी विपक्ष की मुश्किलें। वेल मछली की उल्टी की स्मगलिंग करने के आरोप में 2 गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त की 1.6 करोड़ रुपए कीमत की उल्टी। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।